जनाब नशा भेज देते थे। बिल्कुल इल्जाम सी। अगर नशेई मर गए या नशेई कब्रिस्तान में चला गया, मैनेजर नहीं भेजे या कब्रिस्तान मैनेजर नहीं, वो चीज हाईलाइट करें कि जो पब्लिक सुनना चाहती है। आप हाई लेवल के शुभ कराने वाले थे। दो करेक्टर सर्टिफिकेट अगर मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊं जिनके ऊपर ये लिखा हुआ है नो हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, फिर अपना मुझे एंड ओवर ही करना। कुछ औरतों का ये बड़ा दाम आपके ऊपर है, आपने उनको बिरहना करके सड़क के ऊपर बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या ये बात गलत है? बड़े बाजार में वो बेचारी बगैर कपड़ों के अपने घर की तरफ भागी। आपकी गिरफ्तारी मिनेगी कोई नहीं रखती, पैसा आपके पास है। मैं 7 लाख रुपए टेबल पर रखा है, माई ने आराम से पकड़ के उसकी चुम्मिया लेकर पैसे जेब में डाले। क्या नहीं कत्ल की आपने? मैं सादे शाह नु इंज भुने जिवें छली भुन गई। मेरे वालिद को जिसने मारा है ना, मेरे बस की बात नहीं रहती। अगर वो बंदा आज फिर जिंदा होना, मेरा माजी फिर दोबारा मुझे कैदे काटरिंग फिर इनसे सख्त सजाएं हो, मैं फिर भी बात नहीं। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरन, माजी के किस्से हों या फिर मुस्तकबिल में की जाने वाली करप्शन हो, क्राइम रिपोर्टर ने उसके ऊपर सवाल करने हैं, बाज नहीं आना। आज हमारे साथ सवालत के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका माजी बहुत सारे इल्ज़ामों के साथ भरा हुआ है, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत से नवाज रखा है कि बहुत बहुत बड़े एंकर भी इनसे प्रोग्राम करने के लिए बाकायदा एक टाइम तलब करते हैं और फिर उसके स्केजुअल के मुताबिक ही प्रोग्राम करते हैं। मेरे ख्याल में इज्जत और एहतराम का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत यही हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। हम आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। जनाब नशा बेच दे रहे सर? बिल्कुल इल्जाम सी। इल्जाम सी नहीं बेच दे रहे, वो ताड़े के नाम बेचने थोड़ी लेना है। जो ना यासर भाई, ये बात जो करूँगा ना, ये मैं चूंकि सबसे पहली बात तो मुकदमा में मैं बरी हो चुका हूँ। कोर्ट ने मुझे जो है ना एक समझ लें सर्टिफिकेट ही दिया है ना, अगर FIR दर्ज होती है तो एक इल्जाम के ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन। नशा बेचते रहे, नशा लोगों की जिंदगियां खा गया शायद चोई साहब। मैं कह रहा हूँ लोगों का ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है आप पर। लोगों का इल्जाम है ना, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि लोग कब्रिस्तानों में भी चले गए होंगे, लोग नशे करने वाले दुनिया से कूच भी कर गए होंगे, वो पुलिस मुकाबलों में मर गए होंगे, वो जेलों में भी चले गए होंगे, लेकिन मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं ना, मैं तो उनकी बात करूंगा ना। अगर नशेई मर गए या नशेई कब्रिस्तान में चले गए, मैनेजर नहीं भेजे या कब्रिस्तान मैनेजर नहीं, ये मेरी वजह से जो आबाद नहीं है। मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं ना, उनमें हर नोयत के मुकदमा है, ये तो कुछ छोटे से मुकदमा है, यानी कि जो मेरे ऊपर 302 के इल्जाम लगे, ख्वाजे काशी का कत्ल पड़ा। मजे की बात यह है कि अब आप क्राइम रिपोर्टर हैं ना, तो आप सवाल वो करें। अभी हम नशे के ऊपर ही रहे, नशे के ऊपर रहे ना, लेकिन मैं एक चीज आपको बताने लगा, एक वो चीज हाईलाइट करें कि जो पब्लिक सुनना चाहती है। मिसाल के तौर पर आप, हम ये भी हाईलाइट कर देते हैं ना साथ, बहुत सारी चीजें अभी सुनते तो जाए। आज आपके ऊपर इल्जाम की एक बारिश है, होनी चाहिए, सख्त वक्त आता है इंसान, होनी चाहिए और उसे बर्दाश्त करना ही मर्द मुजाहिद का काम है, होनी बिल्कुल होनी चाहिए। आप टॉप 10 किस्म के हाई लेवल के जुबा करने और कराने वाले रहे। बिल्कुल नहीं, आपकी एक इल्जाम, आपके बकायदा जुए खाने रहे नहीं रहे? मैं बताता हूँ ना, एक मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ है, बड़ा मजेदार मुकदमा है, उसमें 223 बंदे पकड़े जाते हैं, 223 बंदे पकड़े जाते हैं, FIR दर्ज हुई, बिल्कुल FIR 780 उसमें लगी। तो जुआ ऐसा मुझे आज तक बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसमें 780 की अमेंडमेंट वो वहद आपके ऊपर लगी, मेरे ऊपर लगी। बात यह है कि FIR दर्ज हुई, मेरे ऊपर इल्जाम लगा, बिल्कुल एक FIR नहीं मुतअद्दिद जुए के FIR, देख जुए की होंगे 27, 28, 30 होंगे, ये तो थोड़ियां ने, दो दर्जन होंगी। तो आप देखें, मैं ये कह रहा हूं, दो दर्जन देखें कैसा करेक्टर हुआ मैं, आप ये देखो निक रहा है कि नहीं जुआ। मेरी बात एक बड़ी मजार सुनाने लगो, ये बात आप सुनेंगे आपको हंसी आ जाएगी। मैं वो बंदा हूं, पुलिस जब मुझे खड़ा करती है ना कटहरे के अंदर, तो जज साहब को कहते हैं इसके ऊपर 42 FIR है। मेरा बेटा जो लायर है वो कहता है सर मेरे अब्बा जान के ऊपर 103 FIR है। जज साहब कहते हैं पेंसिल पकड़ के, ये कैसा केस है कि मुलजम कह रहा है मेरे ऊपर 103 है, पुलिस कह रही है 42 है, ये क्या है? अंदर वाली बात क्या? मेरा बेटा उन्हें कहता है कि सर इनको ये पता है कि 103 FIR है, जब हम कहेंगे ना कि हमारे पापा पे हैं तो अदालत ये पूछेगी उनका बना क्या है, तो जब हम ये कहेंगे कि बाइज्जत बरी हैं 103 FIR में, नहीं बरी हैं वो कि डिस्चार्ज मुकदमा है, बरी का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज मुकदमा बरी हो गया। अच्छा यासर भाई, आप ये देखें कि 103 FIR है, ठीक है, उन सारियों में मैं बरी हूँ, ये जाकर रिकॉर्ड कम क्यों कहते हैं कि 42 FIR है, कि भाई ये कहेगा डर जाएगा कि मैं नहीं बोलूंगा, हम वहां पे बोलते हैं, हमारे लिए करेक्टर सर्टिफिकेट बन गया हुआ है। अच्छा दो करेक्टर सर्टिफिकेट अगर मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊं जिनके ऊपर ये लिखा हुआ है नो हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड,
तो फिर अपने मुंह एंड दो बारी करना। ओ, पैसा बड़ी ताकत है चोई साहब। फिर ऐसे करें ना, एक कप मुआए अनारकली सर मुझे ला के दें पब्लिक। मुझे अपने दारों को जाके पकड़े जो कमजोर हो गए। सवाल करूं मैं, कह रहा हूँ उससे ज्यादा सख्त करें। एक बे इंतहा पकीजा शख्सियत है औरत। औरत ही माँ है, औरत ही बहन है, औरत से ही हमारे तमाम रिश्ते हैं और औरत को ही हम इज्जत से नवाजते हैं और औरत की वजह से ही हम वजूद में आते हैं। कुछ औरतों का ये बड़ा बिरहना, बड़ा एक बड़ा इल्जाम आपके ऊपर एक मुद्दत जमा रहा कि आपने उनको बिरहना करके सड़क के ऊपर बकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या ये बात गलत है? उसके एफआईआर में ये भी लिखा है कि भरे बाजार में, भरे बाजार बिल्कुल लिखा हुआ है। अब उस एफआईआर में, अब आप देखें ना, एफआईआर दर्ज हो गई, मैं कहता हूँ यासर शमून ने मेरे पैसे छीन लिए, डकैती कर ली, इल्जाम मैंने लगा दिया, मेरी एफआईआर हो गई। अब उस एफआईआर का अदालत जिन्होंने फैसला कर रहे हैं, एफआईआर तो एक रिपोर्ट है, एफआईआर फैसला तो नहीं है ना। अब उसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब उसमें केस में ये जो है ना, जो जो मुदई है उनका नाम है सरोज, सरोज खान, ये वो खातून है जो पत्तो खान, पिची खान की फैमिली का जो सबसे ज्यादा बहादुर लड़का, उसका नाम जिसने असल कत्ल ही उसने किए थे, उसने किए हुए थे। इस लड़की की उसके साथ कुछ सुना कि कोई एंगेजमेंट होने लगी। आपका फ्रेंड भी बड़ा था पत्तो? मेरा भाई है वो, भाइयों की तरह इंग्लैंड से फोन करता रहा आपको? मुझे इंग्लैंड से, दुबई से मेरे साथ रहा था, तो रहा सारी दुनिया के साथ होते हैं। क्यों रहा होते हैं आपके ऐसे लोगों के साथ जब आप जराइम ही नहीं करते? मैंने प्रोग्राम नहीं करने होते। ये क्या बात है, मेरे जराए हैं सारे यार, ये क्या बात है? नहीं मैं भागने नहीं दूंगा। निफा बाबा आपका दोस्त नहीं था? जेल के अंदर में उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था मेरा। जेल में क्या करने गए थे, शॉपिंग करने गए थे? जेल में गया था एक 302 के इल्जाम में, वो इल्जाम ये था उसके ऊपर बाद में आएंगे, उसके ऊपर भी बड़े आपके ऊपर बड़े सख्त इल्जाम आते हैं क्योंकि आप एक बड़ी इस वक्त दानिश्वर शख्सियत भी गिनी जाते हैं, तो आपके ऊपर इल्जाम लगाना हमारा हक है। कह रहा हूं ये औरतों का बता दें, औरतों को फेंटी क्यों लगाई? फेंटी लगाई है ना एफआईआर में, एफआईआर में लगाई हुई है। अब जब आप ये कागजों में एफआईआर में लगी है, मैं कब मुकर रहा हूँ, उसमें ये भी लिखा हुआ है भरे बाजार के अंदर शाहिद चौधरी ने औरत को बरहना कर दिया, वो बेचारी बगैर कपड़ों के अपने घर की तरफ भागी, ये लिखा हुआ है एफआईआर में। बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ है एफआईआर में। अब हुआ क्या, मैंने इंटरम करवाई, इंटरम के लिए फिजिकली तौर पर पेश होना पड़ता है, अंगूठा लगता है, तस्वीर उतर दी, उस वक्त नहीं उतर दी, अंगूठा लगता था, अंगूठा लगा मैंने इंटरम करवा दी, मेरा हक है ना, अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगता है मैंने बैंक डकैती किया, मेरा काम ये बनता है अगर मैं राइट टू सुबह जाकर बेल लूँ। मैंने इंटरम ले ली, इंटरम लेने के बाद मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया अपने बेटे को, अपने भाई को, कि आप केस को परसू करें, मेरी दुश्मनी है, मैं इन केसों में पेश नहीं हो सकता, आप पावर ऑफ अटॉर्नी वकील को दे सकते हैं, हाजिरी माफ हो जाती है। अब जिस दिन अगली तारीख पे मेरी इंटरम की डेट थी ना, वो दोनों खवातीन खुद गई हैं, मैं वहाँ पे था भी नहीं, ना मेरा कोई लड़का वहाँ पे था, अगर मैं होता तो लोगों ने कहना था चोर साहब ने गूड़ियाँ डाल के डरा दिया इनको। नहीं डराए तो आपने, बड़े बंदे हैं, डराए होंगे यार, कई तो आपके ऊपर ऐसी एफआईआर हैं जो हो ही नहीं सकी। नाज़रीन ये हमारे सुनने में आया और लोगों ने हमें बताया कि शायद चौधरी का डाला जब वहाँ से गुजरता था, उस वक्त भी डाला है जब गुजरता था, तो एफआईआर वही दब जाती। नहीं वो आप खुल के कहें कि वो डोगर की एफआईआर थी, दर्ज नहीं की, नहीं डोगर की, तो जब नहीं आपने उसको डराया, मैंने मेरे पे इल्जाम था मैंने मरवाया है, लेकिन उसकी वालदा दरहाज जाकर दे रही है मैं नामजद हूँ, कि मैं वहाँ पे मैंने उनके बेटे को मारा है, तो मैं तो उस वक्त थाने साने में गिरफ्तार नहीं करते रहे यार, मैं गिरफ्तार था उस वक्त भैया, ऐसे जो अपने पर डाल लेता। आपकी गिरफ्तारी मीनिंग की कोई नहीं रखती, पैसा आपके पास है तो फिर पुलिस पंजाब की है, कौन सी स्कॉटलैंड यार्ड की है, आपने पैसे लगाए थाने में, थाने की गाड़ी से बाहर निकले, दो कुरियां पाइया बंदे ने और होते ही यस केक हुआ यार, फिर मैं ये नाम फिर अगर आप इस चीज को देखें, अगर आप इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, क्रेडिट तो किसका दे, ये सारा कुछ होता रहा है? होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है। अब क्यों होता रहा है मुझे ये बताएं, क्यों होता यूं रहा है कि उसकी माँ ने जाकर दरहा दी कि शाहिद चौधरी मेरे पुत्र को बाजार से भून देता है, यानी कि इसको पता नहीं कितनी गोलियां इन्होंने मार दी, जबकि वो आपने कत्ल किए नहीं था यार, एफआईआर में किया, उसकी माँ जो दरहाज दे रही थी उससे मैंने किया हुआ था, ठीक है। अब जिस एसएचओ ने आतफ या आसफ यहाँ पे लगे हुए थे, कितने ऑनेस्ट आदमी, गुल अकबर के वो दामाद है, गुल असगर और गुल अकबर दो भाई थे, उनके वो दामाद है, डेड ऑनेस्ट आदमी, उन्होंने थाने सांधे बैठे हुए थे, माई जाकर दरहाज दे रही है शाहिद चौधरी मेरे पुत्र ने बाजार से भुन देता है, लिख के उन्होंने कहा माई शाहिद चौधरी है सी, वो कह रहा है, वो कहती है बिल्कुल था, उन्होंने कहा एक सैन होकर उसने एक साइन हो गया, आता भी आसान पेपर खींच के उन्होंने माई को कहा तू घर कोठी खाना खोले है पुलिस, अब आपको मजे की बात बताऊं, काटिएगा ना नहीं काटेंगे, अगर काटा नहीं क्यों काटना, आपके काटा तो लेकिन उन जुमला हकूक के जिम्मेदार भी
यासर भाई उस फैमिली के घर के अंदर ना अभी भी वो फैमिली यहाँ पे रहती है मेरे इलाके के अंदर, लेकिन अभी वो काम नहीं करते क्योंकि मैंने बम एक दो ये भी FIR थी उनके घर का, मैंने सारा सामान तोड़ दिया था कि ये क्या टकलाखाना चकलाखाना यहाँ पे खुला हुआ है। पुलिस अफसरान अब मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक तो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं यानी अभी भी वो जिंदा हैं, उन्होंने उनके कमरों के आगे ना प्लेटें लगाई थी अपना नाम लिख के ना ये कमरा मेरा है। अंदर ना उनको मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर अंदर तबले थे आपके कमरे में, कहते यार मैं उधर जाता हूँ तबला मैं खुद बजाता हूँ साथ डांस देखता हूँ। मैं समझ इस तरह की वो फैमिली थी। ठीक है। मैंने ऑन एयर का एडिशनल IG भी रहे हैं वो? नहीं नहीं वो नहीं एडिशनल IG वो इंस्पेक्टर ही है, इंस्पेक्टर ही रिटायर हो गए। ठीक है इंस्पेक्टर रिटायर। समझ गया। तो उनका नाम तो नहीं मैं अच्छा मैं समझ गया वो कौन है। नहीं आप नहीं आप यकीन करें मैं समझ गया। अच्छा बार क्या वो जो है ना इस तरह की उनकी रूटीन थी। ठीक है। अब जब SHO ने देखा कि मेरे इलाके में कुठिया ना चलाने वाली औरत जिसकी बेशुमार कंप्लेंट्स हैं, ये एक बंदे के खिलाफ दरार दे रहे, बंदा उसके हवालात में बंद है, वो FIR देके खुद हवालात में बंद हो जाए, वो तो यही कहेगा ना। अब उसने कहा माई जाओ माई अदालतों में भागी है कोर्टों में, कही मेरे पुत्र की FIR दर्ज नहीं हो रही। तो मेरा है 11वां दिन था कोर्टों में जाने का आने का, FIR दर्ज उतनी देर तक नहीं। तो माई ने आगे मुझसे दियत मांगी है। मैं कहा माई ऐसी कीता या नहीं कीता, तेरा पुत्र दुनिया से गया, मैं 7 लाख रुपए टेबल पर रखा है। माई ने आराम से पकड़ के उसकी चुम्मियाँ लेके पैसे जेब में डाले हैं, उसने मुझे माफ कर दिया। तुझे वखरा ही माइक पड़ के मैं टेंशन लाई। यार आपके पास और भी तो रास्ता था, आप माफ करते थे, आप चाहते तो एक महजब लाइफ गुजारते, आपने बदला लेने की रवायत को कायम रखा और आपने भून के रख दिया उनको। क्या नहीं कत्ल किया आपने? मैंने किया नहीं, किए नहीं कत्ल वो? नहीं नहीं उसको किया है, उसकी रीजन सुने ना क्या है, कत्ल किया है कि नहीं किया? मैं बिल्कुल किया है, मैंने उसको किया और मैं वो एक इंसान को मार दिया। मैंने प्रोग्रामों में पता है क्या कहा, मेरे मुंह से बात का गुस्से में पता क्या निकल गया, मैंने कहा मैं सादे शाह नु इंज भुने जिवें छली भुन दी, कहा मैंने क्यों कहा? और भुना भी आपने वैसे यार उसको क्या तरीका करता है? ये तो कोई उसको 53 रुपया नहीं था क्या? 53 फायर लगे भैया, क्यों मारे? नहीं अंदर से गुस्सा जा रहा था। नहीं यानी कि मुझे ये नहीं समझ आई कि देखे आगे बहुत बड़ा फैमिली का लॉस हो चुका था, वो नाकाबले तलाफी आज तक उसकी तलाफी नहीं हो सकती, पैसा नहीं भरपाई कर सकता उसकी, वो कत्ल भी नहीं कर सकते भरपाई उसकी, ना वो लोग आ सकते हैं, वो अजीम जज्बे थे आपके, तो फिर आपने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? आपने आप जब पता था कि यार हमारे साथ ये मर्डर हो गया, हम आगे भी मर्डर करें, उसकी वजह ये थी। क्यों किया? मेरा एक प्रोग्राम लगा हुआ है, उसमें मैंने लिखा हुआ है मेरी माँ का हुक्म था, मेरी माँ ना ऐसे मेरी उंगली पकड़ के ना ऐसे पकड़ के आ, लेकिन हमें तो पता है कि आपकी वालदा बड़ी हलीम मिजाज खातून थी। नहीं इस प्रोग्राम में मैंने बता दिया जितनी हलीम मिजाज, मेरा हाथ पकड़ के मुझे पता क्या कहती, और जिस तरह वो गैंगा बसी मेरी माँ कहती ये उंगलियां जो है मैं काट देती कैंची से, मैंने कहा वो क्यों? मिसाल दे रहा हूँ, ये उस तरह नहीं हुआ लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसने कहा रोटी खाने हो तुम्हें मैं खुद खिला दूंगी, ये किस लिए रखी है उंगलियाँ? तेरा प्यो मर गया, तेरा भरा मर गया, यासर भाई अल्लाह को डरो, जे एडा वड्डा हादसा तुहाडा अब्बा हो गया जो मार देना पैर भी दो, तो फिर मैं तुहानू पुछांगा। ऐ जिहड़ा अंदर कीड़ा सी ना मेरे, जिहड़ा मेरे अंदर वायरस पैदा हो गया सी भाई, मेरा मर्डर हुआ ना, तो मैं आज तक यही कहता हूँ यार वो अचानक हुआ या जो भी हुआ, गोलियाँ लोगों को दागता था और गोली के बदले गोली आने उसके लिए तैयार हो चुकी थी। मेरे वालिद को जिसने मारा है ना, मेरे बस की बात नहीं रहती, मैं मेरे जज्बात ही कंट्रोल नहीं होते। यार उसने मेरे बाप को मारा बेवजूद, अगर वो बंदा आज फिर जिंदा हो ना, मेरा माजी फिर दोबारा मुझे कैदे काटने के लिए इनसे सख्त सजाएं हो, मैं फिर भी भाग नहीं। नज़र ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, अगर मेरे बाप को और मेरे जवान साला भाई को मारेगा नहीं एक चीज यहाँ पे मैं उसकी नस्ल मार दूंगा, यहाँ पे ना ये बात हकीकत है यासर भाई, यहाँ तक ठीक है। एक मिनट एक चीज और सुन लो, साथ ये भी मैसेज दे दें ताकि बच्चे कहीं हमारी इस चीज से इश्तियाल में ना आए। नहीं नहीं मैं साथ ये भी कहता हूँ, जिस वक्त मैंने बदला लिया है, मैंने बदला लिया भैया, अल्लाह ताला मुझे रोजे महशर वाले दिन भी अल्लाह ताला माफ करेंगे, खुदा ने खुद ही तो फरमाया हुआ है कि अगर तुम्हारे हाथ पांव उंगलियां पैरालाइज नहीं हो, मेंटली तौर पे सेट हो, फिजिकली तौर पे ठीक हो, मसाइल तुम्हारे आगे कोई नहीं, मसाइल की भरमार है, बेटी बच्चियां घर में जवान नहीं है, माँ बाप पैरालाइज नहीं है, वो बिस्तरे मरक भरी पड़े हुए, तो बदला आपके ऊपर फर्ज है। मैंने बड़े बड़े खुदा की कसम कायनात के तुरम खान देखे, बल्कि वो मुजाहिद हुसैन सरा एक बड़ी खूबसूरत बात करता होता है कि ओए मैं बड़े बड़े नस्ल वाले दौड़ते वेखे, पर मैं जिंदगी जगह नहीं दौड़ता वेख्या, तो शायद चौधरी ने देखा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह के इल्जाम मैंने उनको लगाए, भाई उनकी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, वो नहीं कोई इल्जाम नहीं है, सारी बातें ये हकीकतें जो लगाई हैं हमने, जो जिंदगी में हिस्ट्री में था वो सब कुछ बताया है। उन्होंने मनमन जिन बातों का इतराफ किया सुख किया, जो काम उन्होंने नहीं किए, आपके ऊपर जब पर्चा हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इल्जाम आपके ऊपर साबित हो गया, उसके बाद बारे सबूत भी पर्चा करने वाले को देना उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको साबित करना होता है। आज तमाम मुकदमात में बरी हैं और एक बड़ी ही अच्छी
और एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड जिंदगी गुजार रहे हैं और लोगों की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी बने हुए हैं। एक चीज बोलने का एक मिनट देंगे सर, मुझे बड़ा क्लीन दी। एक मिनट यासर भाई, आधा मिनट, सिर्फ 30 सेकंड। 103 FIR है मुदई पुलिस, 103 FIR है अकेला शाही चौधरी, 12 बंदूके मैं चला रहा था, दूजा मुलजम ले आओ 103 FIR में, और किसी एक FIR में सिविलन मुदई लाए, 103 FIR मुदई पुलिस, सारी मुदई पुलिस 103 FIR में पुलिस, ये जुए के जो भी हैं सिविल, और 12 राइफलें पकड़ी गई हैं, और अकेला शाही चौधरी चला रहा है। यार पागल है ना, जमरोच बैठा, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वतन अजीज पाकिस्तान की ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि जो बदमाश नहीं है उसे भी बदमाश बना दिया गया। इनके वालिद का जरिया मुआश अदालत से रिस्क रोटी कमाना था और वो बड़े महंगे वकील थे, घर में भी सारी सताइशें मौजूद थी। अब ये कहा जाए कि इनका मुआश गलत था तो वो कतन नहीं था। FIRs हुई, FIRs में मतयत भी पुलिस की थी, अदालतें वहीं शायबे में उस FIR को ले आती हैं, और कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस चीज़ का हतमी रिजल्ट नहीं होती कि ये वो मुलजम तो हो सकता है, मुजरम नहीं हो सकता। ये सही बात किया, किसी सूरत नहीं हो सकता। जुर्म वो है जिसे जुर्म साबित हो जाए, जुर्म वो है जो साबित हो जाए, और जिसने FIR दी है बारे सबूत भी उसने देना होता है। इस तरह के तमाम तर प्रोग्राम जो शहर के नामवर लोग हैं जिनके ऊपर बेपनाह इल्जाम है और हम समझते हैं कि उन्होंने जुर्म किए हैं, उनके जुर्म भी सामने लेके आएंगे और उनके मुंह से इतराफ भी करवाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।